आधुनिक समय की श्रेष्ठ आध्यात्मिक कृति के रूप में स्वीकृत इस पुस्तक का 21 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। विश्व भर में विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में यह पाठ्य पुस्तक एवं संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हजारों पाठकों ने इस पुस्तक को अपने जीवनकाल का सर्वाधिक आकर्षक पठन घोषी तक किया है। योग की इस प्रस्तुति के समान अंग्रेजी या किसी भी अन्य यूरोपीय भाषा में इससे पूर्व कुछ भी नहीं लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ओसन में। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध योग पुस्तक योगी कथामृत की। आज हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक मनुष्य को यह पुस्तक का यूं पढ़नी चाहिए, एक ऐसी पुस्तक जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। आप भी पढ़ें और औरों को भी पढ़ाएं। मैंने भी यह पुस्तक पढ़ी है और इसके बारे में आपको रिव्यू दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अध्यात्म की अनोखी दुनिया से मुलाकात। किताब योगी कथामृत, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का हिंदी अनुवाद। लेखक परमहंस योगानंद। प्रकाशक योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। कीमत 95 रुपये। पेज 655। कहने को तो यह एक ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन सही मायने में यह किताब एक आंदोलन, एक इतिहास चमत्कारों से भरा, एक पिटारा और अध्यात्म व विज्ञान की गुत्थियों को खोलती एक कुंजी है, जो पिछले 6 दशक से पाठकों को आकर्षित करती आई है। सही मायनों में यह किताब स्पिरिचुअलिटी व फिलॉसफी की दुनिया में आगे बढ़ने वालों के लिए एक टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक बन चुकी है। 20वीं सदी के शुरू में बंगाल में एक योगी स्वामी हुए थे, परमहंस योगानंद, जिनका बचपन से ही अध्यात्म व संन्यास की तरफ जबरदस्त आकर्षण था। हिमालय की आध्यात्मिक दुनिया उन्हें अपनी ओर खींचती थी। घर वालों ने शुरुआत में उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके लगाव को देखते हुए परिवार को आखिर में मानना पड़ा। इस तरह किशोर मुकुंद का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। एक से दूसरे गुरु तक होते हुए उनकी जीवन यात्रा अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप सेंटर में समाप्त हुई। इस दौरान वे तमाम योगियों, साधु संतों, वैज्ञानिकों, चमत्कारियों, इतिहास पुरुषों व विश्व प्रसिद्ध नेताओं से मिले। इस किताब में न सिर्फ उन सब का जिक्र है, बल्कि ऐसे भी तमाम प्रसंग हैं, जिनसे पता चलता है कि योगानंद जी का उन पर और उन पर योगानंद जी का क्या असर पड़ा। भारतीय योग परंपरा में क्रिया योग को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। कृष्ण ने गीता में इसका जिक्र किया है। सदियों से जारी यह परंपरा बीच में कहीं लुप्त हो गई थी, जिसे योगा नंद के गुरु बाबा जी ने पुनर्जीवित कर अपने चुने हुए शिष्यों को सिखाया। योगानंद ने इसका फायदा देखते हुए अपने पंथ के जरिए इसे सर्वसुलभ बना दिया। किताब में जिक्र आता है कि गांधी जी ने स्वयं उनसे क्रिया योग की संपूर्ण विधि सीखी थी। यह किताब जहां एक ओर सदियों से चली आ रही योग परंपरा को सामने लाती है, वहीं दूसरी ओर हिमालय सहित भारत भर में मौजूद साधु संतों, सन्यासियों व योगियों से रूबरू कराती है। साथ ही विज्ञान की तमाम गुत्थियों को भी सामने रखती है। इसमें साधु संतों व योगियों के तमाम ऐसे किस्से हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसके अलावा यह किताब मानव मन से जुड़ी तमाम उत्सुकताओं को शांत करती है। इंसान की आध्यात्मिक खोज व उससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब इसमें मिलते हैं। एक ओर यह जहां जीवन व मृत्यु का भेद खोलती है, वहीं दूसरी ओर मृत्यु के बाद भी जीवन की संभावनाओं पर रोशनी डालती है। पिछले 60 सालों में यह किताब दुनिया भर में बेस्ट सेलर साबित हुई है। 21 भाषाओं में अनुवादित यह आत्मकथा कई यूनिवर्सिटीज में बतौर टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है। किताब की कुछ सूक्तियाँ। ईश्वर क्या है? लगातार मिलने वाला, हमेशा नया दिखने वाला आनंद। मनुष्य जब तक अपनी बुरी सोच से बरी नहीं हो जाता, तब तक वह किसी भी बड़े सच को नहीं समझ सकता है। बड़ी चीजों को समझने के लिए निर्मल मन की दरकार होती है। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो देता है, क्योंकि वह अपने ही छोटे छोटे दुखों में डूबा रहता है। योग साधना विचारों की आपसी टकराहट से पैदा होने वाले शोर को पार कर शांति हासिल करने का एक तरीका है। दिन के रात में और रात के दिन में बदलते समय भारत में जो खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, उसकी किसी भी और देश से तुलना नहीं की जा सकती।
उस समय आकाश ऐसे दिखता है जैसे भगवान ने अपने कलर बॉक्स से सारे रंग निकालकर एक साथ जोर से उछाल दिए हों। जिंदगी मौत से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि यह इतने सारे पापों को ढोते हुए भी आगे बढ़ती है। असंभव प्रश्नों के उत्तर भी असंभव होते हैं। ईश्वर को देखने और समझने के लिए खुद से ही कोशिश करनी होगी, यही एकमात्र जरिया है। किसी धार्मिक विश्वास या फिर नियति जैसे जुमलों के भुलावे में आकर ईश्वर को खुद से समझने का प्रयास न करना गलत होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।